नाजीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी और केसीआर कांग्रेस की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, साजिशियों को 100 मीटर गहरे गड़े में दफन कर दिया जाएगा। वजीर आजम मोदी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत फैला रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी का इंतखाबी जलसों से खिताब। मुसलमानों की आबादी से मुतालिक वजीर आजम मोदी के दावे की बैरिस्टर उवैसी ने खलाई खोल कर रख दी। बीजेपी लीडर्स के अफराद खानदान गिना दिए। पंद्रह अगस्त से पहले किसानों के कर्ज माफ न करने पर क्या रेवंत रेड्डी इस्तीफा देंगे, साबिक वजीर हरीश राव का सवाल। हैदराबाद लोकसभा हलके की उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाने और गले मिलने पर सैदाबाद पुलिस स्टेशन की खातून एएसआई मौतल। राजदुर्ग पुलिस स्टेशन के हदूद में हॉस्टल के संप में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा बहा। और कोकटपली में 45 साल खातून की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रज़ी के बाद कत्ल, मुलजमीन की तलाश जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक्सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर, नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाके, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर केसीआर और मोदी मिलकर तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं तो ऐसी किसी भी हरकत और सरगर्मी को 100 मीटर गड़े में दफन कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा किसान की फसल के आखिरी दाने को भी खरीदा जाएगा, 500 रुपए बोनस देने का भी हमने फैसला किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा तुम्बाडीहट के पास प्रोजेक्ट भी तामीर किया जाएगा। रेवंत रेड्डी आदिलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे।
वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम को इंतखाबात में शिकस्त का खौफ पैदा हो चुका है। निजामबाद में भी जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, वजीर आजम इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतनाजा बयानात देकर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का यह इशारा है कि मोदी इंतखाबी जंग हार रहे हैं। मोदी को ऐसा करने से पहले हिंदुस्तानी आईन के बुनियादी मालूमात से वाकिफ होना चाहिए था। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों की तरफ से नामजदगी के कागजात दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में हलके पार्लिमान जहीराबाद के बीजेपी के उम्मीदवार बीबी पाटिल ने रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर संगारेड्डी क्रांति वेलुरी को अपनी नामजदगी के दस्तावेजात पेश किए। इस मौके पर मुकामी बीजेपी के लीडर्स मौजूद थे। कांग्रेस की रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर कहा कि वो मुल्क के दस्तूर और अवाम को बख्श दें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी को शिकस्त का खौफ पैदा हो चुका है। मोदी ने दोनों तबकात की तौहीन की है। मोदी के गारंटी की वारंटी ही खत्म हो चुकी है। रेणुका चौधरी ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क में बराबर के हकदार हैं, लेकिन मोदी ने दुनिया में मुल्क को शर्मसार किया है। उनका कहना था कि वो इंतजार कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगी। मोदी ने मुल्क की खवातीन की भी तौहीन की है। उनके मंगलसूत्र के बारे में कहा है कि उनके मंगलसूत्र मुसलमान लेकर जाएंगे। मोदी मुल्क के दस्तूर और मुल्क की तारीख के बारे में जानते नहीं हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। साबिक वजीर हरीश राव ने चैलेंज किया है कि 15 अगस्त से पहले किसानों के कर्ज माफ न करने पर क्या रेवंत रेड्डी इस्तीफा देंगे। रैतू बंधु की रकम अब तक मुकम्मल अदा नहीं की गई, कर्ज माफ क्या करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मेदक को जिला बनाने का वादा इंदिरा गांधी ने करके धोखा दिया, उसे पूरा करने का वादा भी केसीआर ने किया है। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी ने सिर्फ झूठ बोला है। कल जो पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए कलेक्टर दफ्तर गए थे वो केसीआर ने तामीर किया। झूठ बोलने में रेवंत रेड्डी को ऑस्कर देना चाहिए। वादों के बारे में सवाल करने पर झूठे मुकदमे आयद कर रहे हैं। बीआरएस के उम्मीदवार मुकामी हैं। रेवंत रेड्डी की तरह कोलंगल में शिकस्त होने के बाद मल्काजगिरी मुंतकिल नहीं हुए। मेरे खत के बारे में बात करने के बजाय किसानों के बारे में गौर करें और उनके मसाइल को हल करें। धान की खरीदी मराकिस पर किसान 18 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। हरीश राव ने कहा, बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को शामिल करने के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। दूसरी तरह साबिक वजीर व बीआरएस पार्टी के लीडर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि रेवंत रेड्डी वजीर आला के ओहदे की आड़ में गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी साफ झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी से कांग्रेस हुकूमत को खतरा है। केसीआर ने जो कहा है उसे तोड़ मरोड़कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी इस बयान का हर जलसे में जिक्र कर रहे हैं। इस पर बीआरएस पार्टी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से मुसलमानों के ज्यादा बच्चों से मुतलक रिमार्क की खलई खोलकर रख दी। बिहार के किशनगंज में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, वजीर आजम ने अपनी तकरीर में झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम खवातीन का फर्टिलिटी तनासुब 2.36% है, मुसलमान कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि वजीर आजम को बताना चाहिए कि उनके कितने भाई बहन थे। सदर मजलिस ने सवाल किया कि वजीर दाखिला अमित शाह, सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद के अफराद खानदान कितने हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें मुसलमान ही नजर आते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ, नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बयां बता देते हैं। और सच्चाई यह है मेरे भाई कि भारत में
भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान वो कम हुआ है, हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी है। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है कहा। 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। मोदी जी का जवाब सुनो आप, अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है, तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दे कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री? बताओ हमको, बताओ क्या जवाब दोगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नरेंद्र मोदी भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी तुम, कितना झूठ बोलोगे? मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी या हबीबी, ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं। और हमको ऐसा देखते हैं, हम कुछ बैठी है मोदी जी, उसका नाम अगर मोहम्मद बिन जायद है तो इसका नाम अख्तर अली मान है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अख्तर अली मान से नफरत क्यों मोदी जी बताओ? नफरत इसलिए है क्योंकि वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में ऑल इंडिया सतह पर 196 रैंक हासिल करने वाले जी अक्षय को वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद दी। पीर के दिन अक्षय ने वजीर आला की कमकाह पर मुलाकात की, रेवंत रेड्डी ने उन्हें तहनियत पेश की। इस मौके पर दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटरमीडिएट साल अव्वल दुवम के सालाना इम्तिहानात मुनक्कदा मार्च 2024 के नतायज चारशंबा 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे दिन दफ्तर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नामपल्ली में प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीमात बी वेंकटेशम जारी करेंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट श्रुति ओझा के मुताबिक तुलबा औलिया तुलबा और अवाम की सहूलत के लिए नतायज के साथ साथ मौसिला निशानात इंटरनेट पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर नतायज व निशानात को उस दिन 11 बजे के बाद दस्तियाब रखा जाएगा। खालिद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई।
इस मौके पर उन्होंने टप्पा चबूतरा, नटराज नगर, गंगा बौली, किशन नगर और छिद्रा के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का अहाता किया। मुकामी अवाम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मजलिस के लीडर जाकिर बाकरी और मोहम्मद यूसुफ के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, सदर मतिस वैरिसर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम के लिए शब रोज मुतारिक हैं। फिर को अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में नई सड़क, उमर बिन खत्ताब मस्जिद लेन, सेंट लॉरेंस स्कूल लेन, हजरत पीरा शाह मस्जिद, झटपट नगर, खाना खजाना होटल लेन, लालाजार होटल लेन और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने सदर मतिस वैरिसर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुकामी अवाम ने मुत्तहिद होकर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का आज़म किया है। इस मौके पर हलके के कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। लेकिन आपके आपको
रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहीउद्दीन ने अपने हलके के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर बंजारी दरवाजा, रेशम बाग, जामे मस्जिद, 18 सीढ़ी के अलावा मोहम्मद नगर, किले गोलगुंडे के दूसरे इलाकों का पैदल दौरा किया। अवाम ने उनका इस्तकबाल किया और सदर मजलिस को फारिग सरस से कामयाब बनाने का तयकुन दिया। आंध्र प्रदेश के मशीखी गोदावरी के कड़ियम में शादी के दौरान लड़की को मुबैना तौर पर अगवा किए जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल जिले के चुगलामरी मंडल के साकिन स्नेहा और मशीखी गोदावरी कड़ियम के साकिन वेंकट नंदू ने 13 अप्रैल को पहले विजयवाड़ा में शादी की। इस दौरान वेंकट नंदू स्नेहा को लेकर अपने गाँव आया और फिर घर वालों को राजमंदी के बाद मुकामी फंक्शन हॉल में 21 अप्रैल को दोनों की फिर से नंदू के रिश्तेदारों के सामने शादी हो रही थी। जब इस बात का पता स्नेहा के अफराद खानदान को चला तो वो फंक्शन हॉल पहुंचे और वहां मौजूद अफराद पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। स्नेहा को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की गई लेकिन मुकामी अफराद ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। स्नेहा के रिश्तेदारों के साथ जो नाम सामने आए हैं वो इस वाक़े में मुलविस बताए गए हैं। इनमें पद्मावती, शंक कुमार, चंदू, नक्का भारत शामिल हैं। पुलिस ने नंदू के अफराद खानदान की शिकायत पर अगवे जेवरात की चोरी के दफात के तहत केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। शहर में हनुमान जयंती विजय यात्रा के मौके पर मंगल 23 अप्रैल को शहर के मुख्तलिफ मुकाम में ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि दिन के 11:30 बजे से रात 8 बजे तक जुलूस की गुजरगाहों के रास्तों पर ट्रैफिक तहरीदात रहेंगी। असल जुलूस गोलीगुड़े से शुरू होगा। गोलीगुड़ा, पुतली बौली, कोठी, सुल्तान बाजार, रामकोठी, काचीगुड़ा, नारायणगुड़ा, चिक्कड़पल्ली, RTC चौराहा, अशोकनगर, गांधीनगर, कावाड़ीगुड़ा, बंसीलालपेट, बाइबल हाउस, बाटा, ओल्ड राम गोपाल पेट, PS पैराडाइज, इंपीरियल गार्डन से होता हुआ हनुमान मंदिर, ताड़बन, सिकंदराबाद पर खदाम को पहुंचेगा। मरकजी जुलूस में रचाकुंडा पुलिस हदूद के करवन घाट से एक जेली जुलूस मलकपेट सैदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए विमेंस कॉलेज कोठी पर शामिल होगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो इस जुलूस के गुजरने के रास्तों पर जो ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं उसके लिए मुतबादिल रूट्स इख्तियार करें। हैदराबाद लोकसभा हलके से BJP की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रामनवमी जुलूस के दौरान माधवी लता की जानिब से की गई हरकत के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में इमरान नामी शख्स की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ दो फिरकों के दरमियान मुनाफरत फैलाने और मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ हैदराबाद गोशा महल के BJP के MLA राजा सिंह के खिलाफ भी सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक श्री रामनवमी के मौके पर सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर जी मधुसूदन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रुकन असेंबली ने मुकर्रा वक्त से ज्यादा वक्त लिया, बड़ी आवाज में म्यूजिक लगाई गई और तकारीर की गई। रात 10 बजे रैली को खत्म करना था, रात 11:15 बजे तक रैली जारी रही। राजा सिंह के खिलाफ दफा 188, 290 और सेक्शन 21(6) के तहत केस दर्ज किया गया है। हलके लोकसभा हैदराबाद की BJP उम्मीदवार माधवी लता और उनसे जुड़ी खबरें किसी न किसी तनाजे की वजह बन रही हैं। अब एक नया मामला सामने आया जिसमें सैदाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून ASI उमा देवी को BJP उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाने और गले लगने का खमियाजा भुगतना पड़ा है। सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने ASI की मौतली के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। बताया गया है कि BJP उम्मीदवार के सैदाबाद डिवीजन में दौरे के दौरान यह वाकया पेश आया। कमिश्नर पुलिस ने ASI उमा देवी को इंतकाबी जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देकर खिदमात से मौतल कर दिया है। दिल्ली शराब पुलिस स्कैम के सिलसिले में CBI की तरफ से गिरफ्तार तेलंगाना BRS पार्टी के रुकन कौंसल कविता के बारे में 2 मई को ऑर्डर जारी किया जा सकता है। वाज़ेह है कविता को पहले ED ने गिरफ्तार किया था, बाद में CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया। रायदुर्ग पुलिस स्टेशन हदूद के अंजैया नगर में वाकई खानगी हॉस्टल में 25 साल सॉफ्टवेयर मुलाजिम संप में गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेख अकमल सूफियान हॉस्टल में दाखिल हुए,
उनकी नजर खुले हुए संप पर नहीं पड़ी और वो आगे बढ़ने के दौरान संप में गिर गए। हॉस्टल के मुलाजमीन को बाद में सुफियान के संप में गिरने का पता चला। सुफियान की लाश संप से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई है। बताया जा रहा है कि षणमुख पीजी हॉस्टल में यह वाकया पेश आया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। अतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मंदिर में सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सारिक ने काली हनुमान मंदिर में खुफल चिकनी के बाद हुंडी से रकम का सरका कर लिया। मंदिर के जिम्मेदारों को पीर की सुबह जब सरके की वारदात का पता चला तो उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़े का मायना किया है। आसपास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है। गांजा चॉकलेट के बाद अब गांजा मिल्क शेक सुर्खियों में है। बताया गया है कि सिलसिले में जगदगीर गुट्टे में एक शख्स और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया गया है जो गांजे के चॉकलेट तैयार किया करते थे। मगरबी बंगाल के साकिन जगत कुमार अग्रवाल और उसके दो बेटों मुरारी अग्रवाल और नीतीश कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब यह पता चला है कि ये दोनों गांजे के मिल्क शेक की तैयारी में भी मुबैना तौर पर मुलव्वस पाए गए हैं। कोकटपल्ली के हदूद में 45 साल खातून की मुबैना इज्तिमाई मदरसी के बाद कत्ल कर दिया गया। महलूक खातून की शिनाख्त कचरा चुनने वाली 45 साल सुजाता की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली बाई जंक्शन के पास वाक़े वर्कशॉप में खातून के साथ इज्तिमाई मदरसी की गई। इस वाक़े में दो अफराद मुलव्वस बताए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के सूर्यापेट मंगला मंडल के पास हुए सड़क हादसे में दो अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े हुए कंटेनर में झागोसी। पुलिस ने लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। अमेरिका के एरिजोना में हुए सड़क हादसे में तेलंगाना के दो तुलबा हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक 20 साल करीमनगर के साकिन एम नवेश और स्टेशन घनपुर के साकिन 19 साल गौतम कुमार वाटरफॉल्स देखने के लिए गए थे। इस दौरान ट्रक से वो पीछे से टकरा गए। बाद में जब वहां वो रुके हुए थे, पीछे से आने वाली दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। नवेश और गौतम की कार यहां पर बताया गया है कि इस हादसे की वजह से काफी नुकसान का शिकार हुई और दोनों की मुकामे वाक़े पर ही मौत हो गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर बताते हैं। QMAX Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK Luxury Residential Flats Prime Location पर Modern Amenities के साथ Platina Residential Commercial Dollar Hills Alkapur Road Musa Enclave SA Colony Toli Chowki MSN Diamond Hills Colony Toli Chowki Azal Residency SA Colony Toli Chowki Serene Heights Golden Sand Colony Toli Chowki Darul Amaran Happy Homes Colony Alkapur Darul Khair Suryanagar Colony Toli Chowki Delight Suit beside Sana Enclave Toli Chowki Akbar Enclave Golden Sand Colony Toli Chowki Uncompromised quality constructions on time delivery hamari pehchan hai 35% down payment bakaya 12 mahine ke aasan aksaat pe QMAX Builders and Developers Toli Chowki Hyderabad Johri crafted just for you मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस लो वेस्टेज के साथ जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल 7 टॉम्स रोड डोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहायश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाके जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी माविन हाइट्स मल्लेपल्ली माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा माविन आशियाना मल्लेपल्ली माविन क्लासिक मासब टैंक बेहतरीन फैसिलिटीज आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफुज की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मोदी और KCR कांग्रेस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। साजिशों को 100 मीटर गहरे गड़े में दफन कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हिंदुओं और मुसलमानों में तफरका फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने किया खबरदार।
मुसलमानों की आबादी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दावे की बैरिस्टर ओवैसी ने खलाई खोल कर रख दी। बीजेपी लीडर्स के अफराद खानदान गिना दिए। पंद्रह अगस्त से पहले किसानों के कर्ज माफ न करने पर क्या रेवंत रेड्डी इस्तीफा देंगे, साबिक वजीर हरीश राव का सवाल। हैदराबाद लोकसभा हलके की उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाने और गले मिलने पर सैदाबाद पुलिस स्टेशन की खातून एएसआई मौतल। राजदुर्ग पुलिस स्टेशन के हदूद में हॉस्टल के संप में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा बहा। और कुकटपल्ली में 45 साल खातून की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रज़ी के बाद कत्ल, मुलजमीन की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।